नमस्कार, मैं रोशनी कुशल जायसवाल। मोदी सरकार ने वादा किया था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज से सफर करेगा, और आज आलम ये है कि हवाई चप्पल वाले और मध्यम वर्ग वाले ट्रेन से सफर करने लायक भी नहीं बचे। बहुत ही दुख की बात है। हवाई जहाज तो सपनों में नजर आता है, हवाई चप्पल भी छीन ली हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने। मैं बहुत ही कड़े शब्दों में बताना चाहती हूँ उनके अंध भक्तों को कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से सफर करने के सपने देखता रह गया, महंगाई चरम सीमा पे चली गई, रेल का किराया आसमान छू रहा है, हवाई जहाज के किराए की तो बात ही छोड़ दीजिए। इंसान सफर करे तो करे कैसे, ये रेल भी अंबानी अडानी की हो गई, एयर इंडिया बिक गया, न जाने कितने एयरपोर्ट बिक गए, न जाने कितने प्लेटफॉर्म बिक गए, न जाने कितनी रेल बिक गई। अब क्या बचा है बेचने के लिए? जिस लाल किले से मोदी जी स्पीच देते हैं वो लाल किला भी बेच चुके हैं। अब क्या बचा? बचा है तो लोगों की किडनियां, लोगों के हार्ट, लोगों की हड्डी पसलियां। जब तक वो नहीं बिक जाएंगी तब तक मोदी सरकार के चैन में चैन नहीं आएगा, सांस में सांस नहीं आएगी। और अंधभक्तों की वजह से हर एक आम नागरिक किस बुरी स्थिति से बीत रहा है, महंगाई सोच सोच के कितना दुख होता है। जब 80 रुपए किलो टमाटर खरीदती है एक औरत तो उसके दिल पे क्या बीतती है, 1000 रुपए गैस सिलेंडर खरीदती है तो उसकी कहने बेचने की आफत आ जाती है कि अगर वो खा ले कि अपने लिए थोड़े से गहने बचा के रख ले अपने आगे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए। 1000 रुपए सिलेंडर खरीदने के नाम पे अब महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं, जो कि आम बात हो गई हमारे देश भारत में। 101वें नंबर पे पहुंच गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा देश भारत, और सिर्फ 15 देश हैं जिसमें भुखमरी सबसे ज्यादा है। 116 देशों में 101वां नंबर आना हमारे देश भारत का, ये संयोग है या पूरी तरह से प्लानिंग थी हमारे देश के प्रधानमंत्री की? मैं पूछना चाहती हूँ आप सबसे, आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब जरूर दें, क्योंकि आप सबका जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे गोदी मीडिया ने तो ये सच दिखाया ही नहीं है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा देश 101वें नंबर पर चला गया है। आप सब कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।